झालावाड़ में आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए 60 लाख की अवैध शराब बरामद की है। जिला आबकारी अधिकारी परमानंद पाटीदार ने बताया है कि मामले में दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया है कि ये शराब चंडीगढ़ से गुजरात ले जाई जा रही थी। इस दौरान जिले में रियायती हाईवे पर टोल नाके के पास नाकेबंदी में कंटेनर को रोककर तलाशी की गई। इस दौरान अवैध शराब की 568 पेटियां बरामद हुई है। मिल रही थी कि शराब तस्कर वापस शराब तस्करी चालू कर दी है, जो पंजाब और चंडीगढ़ से अवैध रूप से शराब ले जाकर गुजरात की तरफ ले जा रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं, जिसमें कोटा झालावाड़ की तरफ से भी कुछ गाड़ियां होकर जा रही है। हमने इसके लिए हमने मुखबिरों को सक्रिय किया और मुखबिर ने कल हमें एक सूचना दी कि आज इधर से गाड़ी जाने वाली है। फिर मुखबिर ने हमें एक गाड़ी महाराष्ट्र की गाड़ी का नंबर दिया, जो हमने हाईवे पे नाकेबंदी की। उस कंटेनर को जब हमने रोका और उसको चेक किया तो उसमें 568 पेटी